स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। एमएलवी वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। झारखंड के निरसा के केएमसी क्लब डांगापारा और हाथरस बलात्कार कांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। निरसा के बिशीपुर पंचायत के डांगापारा में हाथरस बलात्कार कांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यूपी में मनीषा के साथ जो घटना घटी वह निंदनीय है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जा रही है और दूसरी तरफ बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, यहाँ पर जनता का कहना है कि मनीषा को न्याय चाहिए, बलात्कारियों को फांसी चाहिए। यूपी पुलिस जो घिनौना काम किया वह शर्मसार है। इसमें दर्जन महिलाएं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर प्रधानमंत्री से बलात्कारियों के खिलाफ जल्द से जल्द फांसी की मांग कर न्याय की गुहार लगाई। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। मनीषा बहन के साथ जो हुआ है बहुत गलत ही हुआ है। मैं योगी सरकार से निवेदन करता हूँ तीनों को जल्द से जल्द फांसी की सजा। और हम सभी का ये जितने भी बहनों हैं, जितने भी मतलब लड़की है, सब चाहते हैं कि मनीषा बहन के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय चाहिए। और भारत सरकार से भी ये आग्रह है कि इसका जल्द से जल्द कुछ समाधान निकाले ताकि आगे चलकर ये सब ना हो, ताकि जितने भी जो बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस सब का कुछ हल तो निकालना चाहिए। कैसे बेटी पढ़ाए बेटी बचाए, ये सब जो हो रहा है तो कैसे बेटी पढ़ाएंगे कैसे बेटी बचाएंगे, इस सब में कुछ रुकावट आनी चाहिए। बलात्कारी को फांसी से कि मनीषा बहन को न्याय दो और बलात्कारी को जल्दी से जल्दी फांसी दो।